सो गाइस, हमारी YouTube की फर्स्ट पेमेंट किस तरह आती है, कहां पर आती है और फर्स्ट पेमेंट को आने के लिए हमको क्या क्या करना होता है, कौन कौन से काम करने होते हैं और हमारी फर्स्ट पेमेंट जो है YouTube फर्स्ट पेमेंट वो कहां पर आती है और किस तरह हमको अपनी फर्स्ट पेमेंट निकलवानी चाहिए, तो ये सारी तफसीलात है आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक और खैरियत से होंगे, आप लोगों के प्यार से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को फर्स्ट पेमेंट का सारा प्रोसेस बताऊंगा कि फर्स्ट पेमेंट किस तरह आती है, फर्स्ट पेमेंट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, तो ये सारी तफसीलात आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो व्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने भाई के चैनल सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार मेहरबानी करके अपने भाई के चैनल सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। तो आज का व्लॉग यहीं से करते हैं स्टार्ट। चैनल मोनेटाइज होने के बाद हमारी फर्स्ट पेमेंट किस तरह आती है, क्या क्या करना होता है, क्या क्या प्रोसेस है, तो ये सारी तफसीलात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरी फर्स्ट पेमेंट तो नहीं है ये, लेकिन मैंने वो काम कर लिए हैं जो कि मुझे करने चाहिए थे। फर्स्ट इनकम आने में जो काम होते हैं वो सारे काम मैंने कर लिए हैं, बस एक जो है चीज़ जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पिन कोड का मसला है, जैसे ही मेरा पिन कोड आ जाएगा तो मेरी फ़र्स्ट पेमेंट वो भी आ जाएगी। सो गाइस, सबसे पहले चैनल मोनेटाइज के लिए हमको 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स जो कि हमको करना होता है, उसके बाद हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। तो जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद हमको अपने चैनल पर $10 कम्प्लीट करने होते हैं। तो जैसे ही हमारे चैनल पर $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो हमको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मतलब कि पिन कोड के लिए अप्लाई करने का एक मतलब कि ईमेल आ जाती है कि आप लोग अपने पिन कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो तभी जब आप अपने चैनल पर $10 कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही आप अपने पिन कोड के लिए अप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो भी प्रोसेस होता है वो आप कंप्लीट करके जो है पिन कोड के लिए आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको 3 वीक्स का टाइम दिया जाएगा कि आपका पिन कोड 3 वीक्स के अंदर आ जाएगा, जो कि मेरा अभी तक नहीं है। अभी नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं कि आप लोगों को और क्या क्या चीज़ चाहिए होती है फर्स्ट पेमेंट आने के लिए। नेक्स्ट पार्ट है, आप लोगों को पहले तो जो है एक बैंक अकाउंट क्रिएट करना होगा, कोई नज़दीक आपके शहर में कोई बैंक है जहाँ पर आप लोगों को जाना होगा और आप लोगों को वहाँ पर अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करवाना होगा। सो गाइस, जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करवाते हैं उसके बाद आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट यूट्यूब के साथ से कनेक्ट करना होता है, जो कि ये काम बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ये मैंने काम जो है पहले कर लिया है, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था उसी टाइम मैंने अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करवाया था और उसी टाइम मैंने अपना बैंक अकाउंट अपने यूट्यूब के साथ कनेक्ट कर लिया था। और भाई, अभी मेन पॉइंट्स पर आ जाते हैं जो कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं, अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो भाई इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर YouTube पर काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस छोटी मोटी बातों का पता होना चाहिए कि YouTube पर काम करने के लिए क्या क्या होता है, फ़र्स्ट पेमेंट आने के लिए क्या क्या होता है। सबसे बड़ी जो चीज़ है, कन्फ्यूज़ करने वाली चीज़ है, अक्सर यूट्यूबर्स को इनके बारे में पता नहीं होता है। अक्सर यूट्यूबर्स ऐसा कहते हैं यार हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद हमको जो है पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आप लोग अपना बैंक अकाउंट क्रिएट करवा लेते हैं तो उसके बाद भी आप लोगों को अपने चैनल पर $100 कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद हमारी फर्स्ट पेमेंट हमारे एडसेंस अकाउंट पर मतलब कि हमारे बैंक अकाउंट पर आ जाती है $100 करने के बाद। पहले ये प्रोसेस होता है, उसके बाद ये प्रोसेस नहीं होता है। उसके बाद आप जो है $10 भी निकलवा सकते हैं, $10 तक होता है, $10 निकलवा सकते हैं, लेकिन पहला जो प्रोसेस होता है जैसे आपका चैनल मोनेटाइज होता है तो फर्स्ट में जो प्रोसेस होता है वो आप लोगों को पहले अपने चैनल पर $100 कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद आपको अपनी पेमेंट्स जो है अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र करनी होती है। जैसे आप लोग YouTube पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह जो है YouTube पर पेमेंट जो है बैंक अकाउंट में किस तरह ट्रांसफ़र होती है। अभी आपके भाई के पास पिन कोड नहीं है, पिन कोड जैसे आएगा तो मैं आप लोगों को हर एक चीज़ जो है कन्फर्म करके स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि पेमेंट जो है वो किस तरह बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। सो गाइस, फर्स्ट पेमेंट को आने के लिए ये थे प्रोसेस जो कि मैंने आप लोगों को बताए हैं, क्योंकि अक्सर न्यू यूट्यूबर्स होते हैं इस बात से लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारी फर्स्ट पेमेंट तो आएगी लेकिन उसके लिए हमको क्या क्या करना होगा, फर्स्ट पेमेंट कहाँ पर आती है। तो फर्स्ट पेमेंट हमारी पहले जो है हमारे अकाउंट्स पर आ जाती है, एडसेंस अकाउंट्स पर आ जाती है, उसके बाद हमको अपनी पेमेंट्स जो है अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र करनी होती है। तो आज के लिए अपने भाई को दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।